तो दोस्तों ऋतिक वर्सेस टाइगर सुनकर ही सभी का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई हो जाता है। और जैसा कि वार फिल्म के अनाउंसमेंट से पहले तो यहाँ इस फिल्म को ऋतिक वर्सेस टाइगर ही कहा जा रहा था। और जैसा कि दोस्तों वार फिल्म का यहाँ पर मेन हेडलाइन भी बनता दिख रहा था, ऋतिक वर्सेस टाइगर। और जैसा कि कहा जाए तो यहाँ और जैसा कि कहा जाए तो सभी जो कि इस फिल्म में देखने के लिए पहुंचे थे ऋतिक और टाइगर को आपस में भिड़ते देखने के लिए, लेकिन यह हाल ही में वार फिल्म के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ आनंद का कहना था कि यहाँ पर ऋतिक वर्सेस टाइगर ही सिर्फ इस फिल्म की सक्सेस का कारण नहीं थे। हालांकि जैसा कि यहाँ सिद्धार्थ का कहना था कि ऋतिक वर्सेस टाइगर करके इस फिल्म के लिए स्पेशल कास्ट तैयार की गई, लेकिन जैसा कि सिर्फ यही कारण नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी, बल्कि यहाँ सभी वार फिल्म में एक शानदार स्टोरी और साथ ही एक हाई लेवल एक्शन और यहाँ फिल्म के इतने जबरदस्त थ्रिल को देखने के लिए पहुंचे थे। साथ ही यहाँ पर जैसा कि सिद्धार्थ का कहना था कि इससे पहले भी यहाँ पर बैक टू बैक कई सारी बड़ी फिल्में आ चुकी हैं और जैसा कि इन सभी फिल्मों में काफी बड़े स्टार्स थे, लेकिन जैसा कि इसके बावजूद ये फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी, ऐसे में कुछ ऐसा ही जो कि यहाँ वार फिल्म के साथ भी हो सकता था। लेकिन जैसा कि यहाँ फिल्म के मेकर्स ने यहाँ पर इस फिल्म के लिए स्पेशल प्लानिंग की, तो यहाँ जैसा कि सिद्धार्थ का कहना था कि यहाँ काफी सारी चीजों के मिलने के कारण यहाँ वार फिल्म जो कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन यहाँ दोस्तों इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि यहाँ ऋतिक वर्सेस टाइगर जो कि यहाँ इस फिल्म के लिए एक मेन फैक्टर बनकर आई, तो ऐसे में अब यहाँ काफी जल्दी यहाँ पर वार टू भी हमें आती दी। और जैसा कि सिद्धार्थ आनंद इस पर जल्दी वर्क करते दिखेंगे और जैसा कि फैंस तो यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि यहाँ वार टू में भी हमें देखने को मिलेगा ऋतिक वर्सेस टाइगर। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें।